लेकिन वर्तमान में तानाशाह के खिलाफ कोई अगर मुंह खोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, उसके घर पर ईडी भेज दी जाती है, उसके यहाँ छापेमारी कराई जाती है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जब विरोधियों को आप जेल में बंद कर देंगे तो फिर ये चुनाव कैसा है? जब आपके खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को घर पे छापे मार मार के उनको जेल में आप बंद करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये चुनाव निष्पक्ष कैसे हो जा सकता है? तो इसलिए मैं कहा कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है तानाशाह के द्वारा। तानाशाह लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। तानाशाह चाहता है कि 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं हो, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अभी आपने दिल्ली में देखा, हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पीएलए में सेक्शन 45 के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में ठूंस दिया गया। उनके खिलाफ जो सरकारी गवाह थे खड़े किए गए, 10-10 गवाही उनकी पहले हुई। क्या नाम था? शरद चंद्र रेड्डी जी ने अपने 9 बार बयान दिए, उस बयान को डस्टबिन में रख दिया इन्होंने, और 10वीं बार उन्होंने बोला कि हाँ मैं केजरीवाल जी को जानता हूँ, उसको लगाया, उसको रिलेट किया। और सुनिए, शरद चंद्र रेड्डी जी के इन्होंने छापा मारा, छापा मारने के 3 महीने के बाद 55 करोड़ रुपया इलेक्टर बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया। और जब उन्होंने उनके बेटा को भी गिरफ्तार किया, और जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे दिया, सरकारी गवाह जब बन गए तो उनका बेल दे दिया।